आज मैं आपके साथ अंडे और छोले का मजेदार सालन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। परफेक्ट और मजेदार ये सालन आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले पैन में आपको ऑयल डालना होगा। जैसे ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें साबित गर्म मसाला डाल दें। एक छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ डालना होगा और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे पकाएं 5 मिनट के लिए और कवर कर दें। प्याज जब अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाएगा तब आप इसका कवर हटा दें और इसमें 1 टेबल स्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसे मिक्स कर दें। परफेक्ट और मज़ेदार ये अंडे और छोले का सालन बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें बॉयल किए हुए चने में डाल दूंगी, जिसको मैंने नमक और लाल मिर्च डालकर बॉयल किया था। पहले आप चनों को भिगो कर रखिए सैराब के लिए, फिर इसे आप बॉयल कर दें और इसे मिक्स कर दें। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, तो मैं इसमें हंसबे ज़रूरत नमक डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून जितना नमक मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये इसमें कलर अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी का पाउडर इसमें आप डाल दें। अब इसमें 1 टेबल स्पून जितना मुर्गी मसाला आप डाल दें, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। शान का कोई मसाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें खुश धनिया का पाउडर डाल दूंगी और थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मज़ेदार फ्लेवर आएगा इससे। अगर आप चाहें तो ग्रोस्ट चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जितना कुटा हुआ जीरा, अब मैं इसकी फ्लेम को हाई कर दूंगी और इस तमाम मसाले को अच्छी तरीके से भुनना होगा, ताकि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। जब आप भुनाई अच्छी करेंगे तब आपका सालन परफेक्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अब इसके फ्लेम को लो करने के बाद 1 कप जितनी मैं इसमें दही डाल दूंगी। दही को पहले अच्छी तरीके से फेंट लें। अगर आप चने को पहले बॉयल करके रखेंगे तो आपका सालन जो है वो 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। दही डालने के बाद इसको आप मिक्स कर दें। जैसे ही दही इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी तब इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें साबित, और इसे मिक्स कर दें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, हस्बे ज़रूरत आप इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि ये ग्रेवी मज़ेदार बनकर तैयार होगी इसे, और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट के बाद उसके कवर को मैंने हटा दिया है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। मज़ेदार और टेस्टी अंडे और छोले का सालन बनकर तैयार हो रहा है। एक मैं इसमें बॉइल किया हुआ अंडा डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो ज़्यादा अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे आप मिक्स कर दें। अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। इससे ये होता है कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है और सालन लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। परफेक्ट और मज़ेदार अंडे और छोले का सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ ताकि इसका फाइनल लुक आपको दिखा सकूँ। इस तरह की ज़्यादा परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे पेज पे मौजूद है। इस तरह की मज़ेदार डिशेज हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।